बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा, लेक्चर नंबर 17, सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.5, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है 1, 2, 4 और 6 और b इज इक्वल टू 3 -1, 2 -2, देन आपने शो कराना है, फर्स्ट पार्ट है इसका a इंटू और जॉइंट ऑफ a इज इक्वल और जॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अब ये तीनों चीज़ें हम फाइंड करेंगे, ये आपस में इक्वल आनी चाहिए, ये शो कराना है। अब इसके लिए सबसे पहले देखिए, ए मैट्रिक्स मेरे पास ऑलरेडी गिवन है और जॉइंट ऑफ ए नहीं गिवन। मैं पहले जॉइंट ऑफ ए फाइंड करूँगा, वो इधर भी यूज़ हो रहा है, इस इक्वेशन में भी यूज़ हो रहा है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सारी चीज़ें मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ। पहले सबसे पहले मैं जॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मैंने अभी बताया डेफिनेशन, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। अब जब मैं ए का एडजॉइंट फाइंड करूंगा, इनकी डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज करूंगा 1 और 6 और इनके साइन चेंज करूंगा, यहाँ पे -2 आएगा और -4। एक मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए मुझे चाहिए थे, मैंने फाइंड कर ली। उसके बाद मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट जब फाइंड करूंगा, अभी मैंने बताया था डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये साइन स्टेट कर देते हैं। मैंने इसी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 1, 2, 4 और 6 और क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई करते हैं, मिड में माइनस का साइन, मतलब 1 × 6 − 2 × 4। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, −2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 6 − 8 आपके पास क्या बचेगा −2। और इसके लिए क्या चाहिए आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। आइडेंटिटी आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, कि उसकी डायगोनल एंट्रीज 1, 1 और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती है 0, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये चीज़ फाइंड करने के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैं पहले फर्स्ट ये वाली साइड फाइंड कर लूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ए लिखोगे, ए आपके पास है 1, 2, 4, 6 और एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है 6 − 2 − 4 − 1 मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करते हुए आपको पता है रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आप रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करनी, ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 × 6 यानी 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैं प्लस का साइन आएगा 2 − 4 और इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 − 2 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 − 1। नेक्स्ट 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 4 × 6 प्लस और 6 − 4 और इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 − 2 प्लस 6 − 1। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा और 2 को −4 से मल्टीप्लाई करोगे −8 और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे −24 और इसी तरीके से −2 + 2, 4 को −2 से मल्टीप्लाई करेंगे −8, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +6। देखिए अब इसका रिजल्ट आपके पास आएगा −2, 0 और 0 −2। ये आपके पास आगे फर्स्ट इक्वेशन ये फाइंड होने। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब सबसे पहले क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है 6 − 2 − 4 और 1
और ए मैट्रिक्स आपके पास है 1, 2, 4 और 6 मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे वही आप मल्टीप्लाई करते हुए रोज को फॉलोइंग से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 6 × 1 − 2 − 4 और 6 × 2 − 6 और इसी तरीके से −4 × 1 + 1 − 4 और −4 × 2 + 1 − 6 यानी कैसे मल्टीप्लाई किया के रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होगी, यानी इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या बचेगा, 6 − 8 और इसी तरीके से यहाँ 12 − 12 और −4 + 4 और −8 + 6। अब इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा के −2 0 0 −2। देखिए ये आपके पास सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये फाइंड हुई, सेकंड इक्वेशन बिल्कुल यही आ रही है। अब थर्ड मेरे पास है, थर्ड है, मैंने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने फाइंड कर चुका हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास जो है वो क्या फाइंड हुआ था, यहाँ मैंने फाइंड किया हुआ −2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है, ये आपके पास है 1 0 0 1। अब देखें जब आप −2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या बनेगा, −2 0 0 −2, ये आपके पास हो गया थर्ड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट आपके पास इक्वेशन ये आई है −2 0 −2, सेकंड आपके पास इक्वेशन है −2 0 0 −2, थर्ड इक्वेशन आपके पास आई है −2 0 0 −2 बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रूव। क्या प्रूव हुआ कि ए इंटू और जॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा और जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, देखें क्वेश्चन नंबर 5 में डिटरमाइन वेदर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका फर्स्ट पार्ट है 3, 5, 4, 7 एंड 7 − 5 − 4 3। अच्छा ये दोनों मैट्रिसेस तब आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे जब इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैंने आपको बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1, मतलब ये लूंगा इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, ये मैट्रिक्स है रिजल्ट में, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट में अगर यही आ जाए तो हम कहेंगे दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अब क्या करूँगा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है 3 5 4
7 और सेकंड है 7 माइनस 5 माइनस 4 और 3। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई भी मैंने आपको बताया रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब मल्टीप्लाई करोगे 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 4 और 3 यानी इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 को 7 से 5 को माइनस 4 से और इसी रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। क्या किया, 3 को 5 से और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई माइनस 4 यानी 4 को 7 से 7 को माइनस 4 से और इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 और प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे देखिए आपके पास क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई 3 21 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 20 और 4 मल्टीप्लाई 7 28 और माइनस 28 7 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 20। इसी तरीके से माइनस 15 प्लस 15 और इसी तरीके से माइनस 20 प्लस 21। जब आप फाइंड करोगे आपके पास क्या आएगा, कि 21 माइनस 20 आपके पास क्या आएगा 1 0 और इसी तरीके से 0 1 ये आपके पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। पहले आपने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास क्या है ये वाला मैट्रिक्स 7 माइनस यानी आप 2 हो गया, ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। मैंने कहा था जब आप क्या करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 माइनस 5 माइनस 4 3 और दूसरा मैट्रिक्स है 3 5 4 और 7। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे देखिए रोज को कॉलम से उसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 5 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई आपके पास माइनस 5 मल्टीप्लाई 4। क्या किया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से आपके पास क्या होगा जब इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इसी तरीके सेकंड रो माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 और इसी तरीके से माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। क्या किया, दोबारा देखिए इस रो को इस कॉलम से 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 फिर 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 7 इसी तरीके से माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। देखिए इसका रिजल्ट क्या बनेगा, आपके पास रिजल्ट आएगा जब हम मल्टीप्लाई करोगे 21 माइनस 20 7 मल्टीप्लाई 3 21 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस 20 इसी तरीके से माइनस 12 और प्लस 12 इसी तरीके से आपके पास क्या आएगा 35 माइनस 35 मतलब 7 मल्टीप्लाई 5 35 और माइनस 5 मल्टीप्लाई 7 35 माइनस 20 प्लस 21 और देखें रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 1 0 0 1। अभी आपके पास होगी सेकंड इक्वेशन। ये देखें फर्स्ट आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया था आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और लिखोगे सो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।